हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक भर्ती आई है। मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस तरह के लगभग, मैं आपको बता दूं, 40 वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर दी होगी। 20 से 30 वीडियो तो डेफिनेटली अपलोड हो चुकी है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जब भी रिक्रूटमेंट मिलेगी आपको, यहाँ से इसकी सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बात। दूसरी बात, अपने दोस्तों के बीच से शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस इसी तरह रेगुलरली लाता रहूं। पहले मैं आपको बता देता हूं, जिनकी उम्र सीमा 25 से कम है वो वीडियो मत देखें, क्योंकि 25 इसकी जो है एज क्राइटेरिया रखी गई है। अगर आप 25 से कम के हो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपका बीटीसी है तो भी आप इस वीडियो को नहीं देखें, या डीएलएड है तो भी आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि बीटीसी वाले भी यहां पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सिर्फ बीएड वाले, और अगर जिनका उम्र 25 से अधिक है और उनकी उम्र सीमा जो 25 से अधिक और 45 से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपको 24,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो सैलरी अच्छी खासी हैंडसम सी सैलरी है, तो आप इस पे जो है काम कर सकते हो। दूसरी बात, इसकी जो आखिरी डेट रखी गई है वो 3 अक्टूबर रखी गई है, यानी कि 3 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को जो है अप्लाई कर लेना है। और याद रखिएगा, फॉर्म जब भी आप अप्लाई करें तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करेंगे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करेंगे। अगर आप जनरल डाक के द्वारा जो है अगर अप्लाई करोगे या हाथों हाथ देने की कोशिश करोगे तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, एक बड़े से लिफाफे के ऊपर मैं आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए, जो जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस सब्जेक्ट का नाम और बगल में अपनी कैटेगरी, जैसे सपोज कर लो कि अगर आप जनरल हो तो यू आर लिखोगे, ओबीसी हो तो ओबीसी लिखोगे, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ से जो है चीज़ें दिखा देता हूँ। अब बोलोगे कि ये इतना गंदा पिक्चर क्यों दिख रहा है, मैं क्या करूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो आई है वो आपके साथ में एज इट इज रख रहा हूँ। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो, पूर्णकालिक शिक्षिका आपके लिए जो है वैकेंसी आई हुई है हिंदी और संस्कृत के लिए। किसके लिए? हिंदी और संस्कृत के लिए। अगर आपने बीएड कर रखा है और टेट की जो पेपर टू है वो अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 24,200 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। यू आर कैटेगरी से एक वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी टोटल है। अब बात कर लेते हैं गणित की, तो गणित के लिए देखिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने पढ़ी है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। बीएड अगर आपने कर रखा है 50% के साथ तो ही अप्लाई कर पाओगे। टैट का पेपर टू, देखिए टैट का मतलब ये हुआ किसी भी स्टेट से अगर आपने टैट कर रखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट आई है तो इंग्लिश से आपका ऑनर्स 50%, ठीक है, इसको कंसिडर कर लोगे आप। दूसरी बात, बीएड आपका होना चाहिए, पेपर टू आपका क्लियर होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 24,200 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा और एक ही वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा की, तो बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड की वैकेंसी आई है। 10,780 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। क्लास एट के लिए देखिए चपरासी, अगर आप क्लास एट पास हो तो चपरासी 6,325 रुपये, और क्लास एट पास हो तो सहायक रसोईया के लिए 5,693 रुपये आपको दिया जाएगा। अब देखिए ये जो वैकेंसी है यहाँ पे देखो, डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, 3/10 यानी कि 3 अक्टूबर से बाद में जो है अगर अप्लाई करोगे शाम के 5 बजे के बाद तो आपका काम नहीं चलेगा। तो मेक श्योर आप इससे पहले अप्लाई कर ले। अब मैं टिकट वगैरह के लिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए टिकट के बारे में इन्होंने कहीं लिख रखा है क्या, वो देख लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि दो लिफाफे आपको जो है जिसमें अपना एड्रेस आपको लिखना है, अपना पता लिखना है और निर्धारित शुल्क, तो मैं आपको बता दूँ 42 रुपीज़ आप लगाना, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी कस्तूरबा को जो है कवर किया हूँ वैकेंसी को, उसमें 42 रुपीज़ ही मांगते हैं। तो 42 रुपीज़ का डाक टिकट आप चिपका दोगे और ऊपर के लिफाफे में नेम, जैसे मैंने आपको बताया जो पोस्ट है, और बगल में कैटेगरी आप लिख दोगे, यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। मैं अभी आपको एड्रेस भी बता दूंगा, साथ में इसके अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस कराया, काम किया है, वो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। टैट का पेपर, बीएड, सब कुछ आप जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जो है फोटोकॉपी यहाँ पे आप लगा दोगे सेल्फ अटेस्टेड के साथ। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई है, दो चरित्र प्रमाण पत्र भी इनको चाहिए होगा, आधार कार्ड भी चाहिए होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है उन चीजों को देख सकते हैं। अब देखिए ये वैकेंसी जो आई है दोस्तों वो कहां से आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब बोलोगे ठीक है इटावा के वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता आप झूठी या रूमर वाली अफवाह बता रहे हो। तो देखिए मैं भी itawa.nic.in पे गया, देयर इज अ नो वैकेंसी, वहां पे कोई वैकेंसी रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन ये थ्रू द न्यूज़पेपर ये पब्लिश करते हैं, तो न्यूज़पेपर के लोकल जो इटावा वाला न्यूज़पेपर है इसके लिए आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो या फिर दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, वहां पे आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार वेरीफाई कर लें तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई हुई है, लेकिन 100% मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो मेक श्योर घबराना नहीं है, अप्लाई कर लेना है। बाय द वे आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे थे नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट से कस्तूरबा की रिक्रूटमेंट आएगी, सैनिक स्कूल की रिक्रूटमेंट आएगी, तो उसकी सूचना मैं आपको समय समय देता रहूंगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे।